विमला ने जब तीसरी बार हरीश को फैक्ट्री में कॉल किया तो हरीश ने उससे हंसते हुए पूछा, अरे क्या हो गया, आज तू रह रहे के मुझे कॉल किए जा रही है? आज बहुत देर कर दी आपने, कब तक आएंगे? मुझे आपको कुछ बताना है। काम बहुत है विमला, लगता है ओवर टाइम करना पड़ेगा, तू फोन पर ही बता देना क्या बात है। विमला ने हरीश को ये कहकर फोन काट दिया कि वो जब घर आएगा तो वो उसे बताएगी कि क्या बात है। रात के 9 बज गए थे, इसलिए विमला अपनी बेटी रूपा, अपनी सास और ननद को खाना खिलाने लगी। बहू, तुमने हरीश से उस बारे में बता दिया क्या? जी, अभी तो कुछ नहीं बोला। तो क्या मुहूर्त निकलवाएगी बताने का? जल्दी से बता दे, और इस बार तो मैं तुम लोगों की बिल्कुल नहीं सुनूंगी। 6 साल पहले विमला की बेटी रूपा का जब जन्म हुआ था तो हरीश तो खुशी के मारे उछल पड़ा था, लेकिन विमला की सास और ननद का मुंह फूल गया क्योंकि वे लोग लड़का चाहते थे। ये लो, हो गया बेड़ा गर्क, विमला ने तो लड़की जनी है। मैंने कितनी बार कहा कि टेस्ट करवा लो, लेकिन मेरी सुनता कौन है, अब भुगतो। हरीश ने जब अपनी माँ और बहन को ऐसा कहते सुना तो उसने दोनों से साफ साफ कह दिया, तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती है? अभी अभी बेचारी छोटी सी गुड़िया हमारे घर में आई है और तुम लोग इसे कोसने लगे, एक औरत होकर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकती हो? हरीश की बात का उसकी माँ और बहन ने कुछ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन रूपा उन्हें फूटी आँख नहीं सुहाती थी। लेकिन हरीश तो अपनी रूपा को बहुत प्यार करता था, सच कहें तो रूपा में जान बसती थी उसकी। रूपा अब 6 साल की हो गई थी, विमला एक बार फिर से गर्भवती थी, यही बात वो हरीश को फोन पर बताना चाहती थी। विमला सबको खाना खिलाकर बिस्तर पर लेटने आ गई। उसने सोचा कि हरीश जब आ जाएगा तो दोनों मिलकर खा लेंगे। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। उसकी नींद तब खुली जब उसके फोन पर हरीश का कॉल आ रहा था। उसने नींद में ही फोन उठाया, आप फैक्ट्री से निकल गए क्या? लेकिन फोन की दूसरी ओर हरीश नहीं था, उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले जुम्मन चाचा का फोन था। जुम्मन चाचा, आप? बेटी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, फैक्ट्री में हरीश का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, वो बुरी तरह जल गया है, तुम लोग जल्दी से अस्पताल आ जाओ, हम लोग वहीं हैं। हरीश के एक्सीडेंट की बात सुनकर विमला की तो चीख ही निकल गई। उसने अपनी सास और ननद को इस बारे में बताया, वे सभी अस्पताल की ओर भागे, लेकिन उन्हें अस्पताल पहुंचने में बहुत देर हो गई थी क्योंकि सुबह घर से फैक्ट्री के लिए निकला हरीश अब सफेद कपड़ों में लिपटा मृत पड़ा हुआ था। ये क्या हो गया जी आपको? अरे उठिए ना, जल्दी से उठिए, मेरी बात क्यों नहीं सुनते, भगवान के लिए उठिए ना। तभी रूपा भी अपने पिता के मृत शरीर के पास आकर रोने लगी, पिताजी आप उठिए ना, मैं आपसे कोई भी चीज लाने की जिद कभी नहीं करूंगी, एक बार उठकर मुझे गले लगा लीजिए ना, देखिए ना माँ भी कितना रो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? लेकिन मृत लोग सुनते कहाँ हैं? वो तो बस शून्य में ताकते रहते हैं, उन्हें कहाँ पता चलता है कि उसका अपना कैसे उससे लिपट लिपट कर रो रहा है। हरीश का अंतिम संस्कार भारी मन से कर दिया गया, उसे दूसरी दुनिया में जाने के लिए विदा कर दिया गया। लेकिन उसके जाने के बाद विमला के जीवन में इतने कांटे एकाएक उगाने वाले थे, ये कहाँ किसी को पता था। हरीश की मौत के बाद उसकी सास और ननद ने विमला का जीना हराम कर दिया, वे न तो उसे चैन से खाने देते और न ही सोने। करम चली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती मुफ्त का ठूसने में? घर में इतना सारा काम पड़ा है और यहाँ तुम दोनों छप्पन भोग खा रही हो। माँ, ये लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले, तुम रुको मैं अभी इसे बताती हूँ। उसके बाद विमला की ननद उसे वहाँ पड़े झाड़ू से ही मारने लगती है। विमला पर हर दिन दुखों का पहाड़ टूट रहा था। एक रात की बात है, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और घर के अंदर विमला पर बिजली गिर रही थी। अब भागन, मेरे बेटे को तो खा ही गई, अब क्या मेरी जान लेना चाहती है? तुम ठीक कहती हो माँ, मुझे इसके लक्षण ऐसे ही लगते हैं। भगवान के लिए आप लोग ऐसा मत कहिए, मैं तो खुद ही टूट गई हूँ। टूट गई है तो हम क्या करें, मेरा भी तो भाई गया है, कान खोल कर सुन ले, जो हम कह रहे हैं वो कर, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। विमला के ना चाहते हुए भी इस बार उसकी सास और ननद ने उसका टेस्ट करवाया था, इस बार भी उसके गर्भ में लड़की ही थी। वो इस बच्ची को नहीं चाहते थे और उसे गिराने का दबाव उस पर पिछले कई दिनों से बना रहे थे।
लेकिन विमला किसी भी कीमत पर उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। आप लोग चाहे मेरी जान भी ले लीजिए, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। ठीक है, तो तेरा हमारे घर में कोई काम नहीं है, निकल जा तू यहाँ से। ये कहकर उसकी सास और ननद उसके बाल पकड़ कर खींचते हुए उसे उस बारिश में रात के समय घर से बाहर निकालने लगी। रूपा अपनी माँ की मदद को आई तो उन्होंने उसे भी बहुत मारा। विमला उन लोगों के आगे गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वे तो पत्थर बन गए थे। ये मेरे पति का घर है, मुझे और मेरी बच्ची को यहाँ से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे बताइए, हम कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जा, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दे। मूसलाधार बारिश के बीच विमला और रूपा चली जा रही थी। आसपास कहीं बारिश से छिपने की जगह भी नहीं थी जो वो कहीं छिप जाती। दोनों लगातार रोए जा रहे थे और शायद उसके साथ ऊपर वाला भी रो रहा था और ऊपर वाले के आंसू बारिश की शक्ल में जमीन पर गिर रहे थे। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक घना सा पेड़ दिखा, वे दोनों उसी के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। माँ, अब कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर ही नहीं है, क्या अब हम यहीं रहेंगे? पिताजी क्यों चले गए हमें छोड़कर? क्या वो हमें ऊपर से देख सकते हैं? अगर हाँ तो वो हमारी मदद क्यों नहीं करते? विमला के पास रूपा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बेचारी तो बस लगातार रोए जा रही थी और सोच रही थी कि अब वो रूपा और आने वाली बच्ची का ध्यान कैसे रखेगी। वे दोनों बहुत थक गए थे इसलिए सो गए। जब उनकी नींद खुली तो दिन चढ़ाया था। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। वे दोनों अगले दिन शाम तक उसी तरह पेड़ के नीचे बैठे रहे। अब तो रूपा को जोरों की भूख भी लग गई थी। भूख लगी है बेटा, क्या दूं मैं इसे, कहाँ से दूं? विमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। तभी उसने देखा कि उनकी हालत देखकर कुछ लोग उसके आगे 2-4 रुपए डालकर जा रहे हैं। विमला ने लाचार निगाहों से उन पैसों को देखा, उसे अपने हाथ में उठाया और रूपा के खाने के लिए रोटी लेकर आई। कहते हैं समय बड़ा बलवान। विमला ने कभी ये नहीं सोचा था कि हरीश के जाने के बाद उसकी हालत भिखारियों की तरह हो जाएगी। उस दिन तो उसने भीख में मिले पैसों से काम चला लिया, लेकिन ये तय किया कि मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मुझे कुछ करना ही होगा रूपा के लिए और आने वाली बच्ची के लिए। अगले दिन रूपा लोगों के पास काम मांगने के लिए गई, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। 2 दिन इसी तरह बीत गए, ना तो विमला ने कुछ खाया और ना ही रूपा ने। एक बार तो विमला का मन हुआ कि वो भीख मांग ले, लेकिन उसने तो खुद से वादा किया था कि अब वो भीख नहीं मांगेगी। लेकिन उसका सब्र तब जवाब दे गया जब एक दिन उसने रूपा को कचरे के डिब्बे से निकाल कर खाते देखा। माँ, बहुत भूख लगी थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए कचरे से निकाल कर खाने लगी। रूपा की बात सुनकर विमला रोने लगी। 1 महीने उसने इसी तरह कभी कचरे से तो कभी भीख मांग कर अपना और अपनी बेटी का पेट भरा, लेकिन अब भी उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि उसे भीख नहीं मांगना है। एक दिन उसे दीवार पर चिपका एक इश्तेहार दिखा जिसमें लिखा था सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, वेतन 5,000 रुपया महीना। विमला इश्तेहार में लिखे पते पर गई। अरे तुम और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, अरे ये नौकरी पुरुषों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। साहब, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, एक बार मौका तो दीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैनेजर को उस पर दया आ गई, उसने उसे काम पर रख लिया। फिर तो विमला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो अपना काम इतनी ईमानदारी और सतर्कता से करती कि सभी उसके काम की तारीफ करते। बहुत जल्द ही वो सिक्योरिटी गार्डों की चीफ बन गई। इस बीच उसने प्यारी सी बच्ची को भी जन्म दिया, उसने उसका नाम दुर्गा रखा, वो उसको लेकर ही काम पर आती। रूपा का भी उसने स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। विमला ने धीरे धीरे कर पैसे जोड़े और उसने खुद की सिक्योरिटी सर्विस का काम शुरू किया। उसकी सास और ननद को विमला की सफलता के बारे में पता लगा तो उनके तन बदन में और भी आग लग गई। लेकिन अब विमला कमजोर नहीं थी और न ही उसने उनके अत्याचार को भूला था। एक दिन उसने पुलिस में जाकर उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दी और पुलिस को बताया कि उन लोगों ने एक लड़के की खातिर उसके साथ कैसा बर्ताव किया। विमला चाहती थी कि इस घटना से लोग सबक लें और कोई दूसरी सास या ननद किसी विधवा औरत को परेशान न करे। पुलिस तुरंत उनके घर पहुंची। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो अपनी बहू को बेटी के समान मानती थी,
वो ही पता नहीं क्यों एक दिन घर छोड़कर चली गई। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। आज विमला की कंपनी में लगभग 3,000 ऐसी औरतें काम करती हैं, जिन्हें विमला की तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। विमला ने अपने दम पर ये साबित कर दिखाया था कि औरतें किसी से कम नहीं।